तो फ्रेंड्स ये है WD ग्रीन का 480 GB का SSD, जो कि करीब 3,3500 का पड़ता है। और आज हम इस SSD को अपने लैपटॉप में लगाने वाले हैं, उसके बाद फिर विंडो डाल के इंस्टॉल करेंगे। पहले से इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव पड़ा हुआ था, उसको हम निकाल देंगे। और M.2 ये SSD NVMe है, इसको हम इसके स्लॉट में डाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कट है। M.2 NVMe में एक ही कट होता है, और एक M.2 का आता है इसमें एक डबल कट रहता है, वो पहले के लैपटॉप्स में रहता था। ये WD ग्रीन का मंगाए हुए हैं, तो ये 480 GB है और इसका स्पीड 2400 MB/s है, रीड राइट दोनों। तो चलिए अब इसको इंस्टॉल करके आपको दिखा देते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। तो फ्रेंड्स चलिए अब आपको हम इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इसका सील ब्रेक करना पड़ेगा हमको। फ्रेंड्स पहले से इस लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, और इसको हम रिमूव करके SSD लगा देंगे, और हार्ड डिस्क को निकाल देंगे वहाँ से, और SSD को इंसर्ट कर देंगे। और मतलब SSD का स्लॉट भी दिया हुआ रहता है इसमें, और हार्ड डिस्क भी मतलब दो स्लॉट दिया रहता है, या तो आप SSD लगा सकते हो या फिर हार्ड डिस्क लगा सकते हो, या फिर दोनों ही लगा सकते हो। तो हम हार्ड डिस्क को निकाल लेंगे, SSD को हम निकाल लेते हैं बाहर। तो देखिए ये रहा WD ग्रीन का NVMe M.2 SSD। यहाँ पे यूज़र मैनुअल दिया हुआ है वेस्टर्न डिजिटल का, WD ग्रीन पेपर वर्क्स। और ये रहा SSD, इसमें दो लेयर से पैक रहता है। ये रहा SSD जो कि लैपटॉप में लगेगा, 480 GB का है ये SSD। इसका स्पीड 2400 MB/s है, रीड राइट दोनों। ये करीब 3500 का पड़ता है, 3,000 से 3500 का। इसका रेट वेरी करता है, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले लैपटॉप का सारा स्क्रू खोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको वहाँ पे एक पोर्ट रहता है, वहाँ पे डालेंगे। और चलिए अब प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अपने लैपटॉप का सारा स्क्रू खोल लिया है। अब अपने SSD को उसके स्लॉट में डालेंगे। यहाँ पे NVMe का स्लॉट दिया हुआ है नीचे में, और एक ऊपर में वहाँ पे HDD का स्लॉट है, जिसमें कि हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव फिक्स्ड है। चलिए अब उसको ओपन कर लेते हैं हम। काफ़ी केयरफुली आपको खोलना होगा इसके स्क्रू को, ताकि इसका जहाँ पे स्क्रू कसा हुआ है वो टूटे ना। फिर उसके बाद इसको इसके स्लॉट में डाल दीजिएगा आराम से। फिर वही स्क्रू लेकर उसको इसमें टाइट कर दीजिएगा, ताकि हिले ना। फिर फ्रेंड्स हमने अपना स्क्रू लगा दिया, और देखिए यहाँ पे बगल में बैटरी दिया हुआ है, और ऊपर में दो रैम का स्लॉट दिया हुआ है, जिसमें कि एक रैम ऑलरेडी लगा हुआ है, और आप अगर चाहें तो एक रैम लेकर वहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने रैम को। हमने अपने SSD को सक्सेसफुली यहाँ पे लगा लिया है। और देखिए फ्रेंड्स ऊपर में वहाँ पे 1 TB का हार्ड डिस्क ड्राइव है। वहाँ पे रैम का स्लॉट है। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे वो हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ है हमारा। तो चलिए अब हम अपने हार्ड डिस्क को निकाल लेते हैं यहाँ से। इसका स्क्रू हम खोलेंगे, दो तीन स्क्रू होता है, इसके साइड में रहता है सारा स्क्रू, आराम से खोल लेंगे सारे स्क्रू को। ये दूसरा स्क्रू, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। हमने दो स्क्रू को खोल लिया, उसको निकाल लेंगे बाहर। फिर हम अपने SSD को आराम से निकाल लेंगे, इसमें वायर से कनेक्ट होता है वहाँ पे। हमने स्क्रू को निकाल लिया, और एक और स्क्रू है साइड में, तो इसको भी हम खोल लेंगे अब। इसको भी बाहर कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन रहता है, एक चार स्क्रू रहता है टोटल, चारों स्क्रू को एक एक करके ओपन कर लेंगे। फिर इसको यहाँ पे देखिए कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है, इसको निकाल लेंगे आराम से। केयरफुली निकालना पड़ेगा, एकदम पतला सा तार रहता है वो टूटे। और ये सब प्रोसेस करते वक्त ध्यान रखिए, कोई भी तार एक्स्ट्रा तार को छेड़छाड़ नहीं करना है, और ना ही मतलब टूटना चाहिए कुछ भी। तो फिर
अपने हार्ड डिस्क ड्राइव में से हम उसका जो केस है वो निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क को लगाने के लिए साइड में उसके लोहे का रहता है केस, और किसी किसी में लोहे का, किसी में प्लास्टिक का रहता है पीछे से, तो वो केस उसमें स्क्रू के थ्रू कसा रहता है। तो फ्रेंड्स, उसको हम खोल लेंगे और खोल के SSD को उस केस से अलग कर लेंगे। देखिए ये रहा केस, और इसको फिर से हम इसी स्लॉट में डाल देंगे, क्योंकि मान लीजिए बाद में फिर अगर हमको SSD या हार्ड डिस्क ड्राइव लगाना हुआ तो इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं। तो अभी हमको हार्ड डिस्क का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम 480 GB का ऑलरेडी लगा चुके हैं SSD, इसलिए हमने हार्ड डिस्क को निकाल लिया और उसका केस को इसी में रख दिए, क्योंकि ये केस लैपटॉप के साथ ही मिलता है, या तो अलग से मतलब केस बॉक्स में लैपटॉप के मिला रहता है या यहीं पे कसा हुआ रहता है। तो चलिए हम इसे स्क्रू को यहीं पे फिर से फिक्स कर लेते हैं टाइटली, और उसका वायर वैसे ही छोड़ देना है जो प्लग है नीचे से, उसको उससे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, और ये सब सारा कुछ केयरफुली करना होगा आपको। फ्रेंड्स, हम दूसरे वीडियो में एक रैम का फुल इंस्टॉलेशन आपको दिखा देंगे। हम रैम एक रखे हुए हैं, उसको आपको इंसर्ट करके दिखा देंगे कैसे रैम लगाया जाता है। और फ्रेंड्स, इन सारे प्रोसेस को करने से पहले आप अपने लैपटॉप को अच्छे से शट डाउन कर लीजिएगा, और हो सके इसमें तो बैटरी तो अगर आपके लैपटॉप का बैटरी निकलता हो तो पहले बैटरी निकाल लीजिएगा, अगर नहीं निकलने वाला हो, मतलब किसी किसी में बैटरी फिक्स रहता है अंदर में, तो आप उसको अच्छे से शट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम सारा अपने स्क्रू को कस लेते हैं टाइटली, सारा स्क्रू लगा दिया है। देखिए यहाँ पे नीचे में बैटरी दिया हुआ है, और वहाँ पे हमारा SSD लगा था, वो अपने लैपटॉप के पीछे वाले कवर को कस लेते हैं स्क्रू के थ्रू। हमारा SSD लग चुका है सक्सेसफुली। तो ऐसे ही आप एक एक करके सारा स्क्रू लगा लीजिएगा, और फ्रेंड्स आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंपनी का आप SSD लेकर और घर बैठे लगा सकते हैं। दुकान पे जाने पे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं वो लोग, 1000-1500, उससे अच्छा आप घर पे लगा सकते हैं। किसी भी कंपनी का SSD लेकर केयरफुली आप बस इंसर्ट कर दीजिएगा उसमें, बस आपका लैपटॉप शट डाउन होना चाहिए, और लगाकर और अपना स्क्रू टाइटली कस दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।